तो आज हम आए हैं जी फ्रेश मार्ट में। यहाँ आपको डेली यूज का हर सामान, हर ग्लॉसरी बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर मार्ट्स। यहाँ MRP पे बहुत अच्छा डिस्काउंट और ऑफर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैगी, आटा, चावल, स्नैक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, सैनिटरी पैड्स, परफ्यूम्स, यहाँ इनकी वैरायटीज़ बहुत अच्छी है और पूरे टॉप नॉच की है। तो इन सब पे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप भी जी फ्रेश मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और रजिस्टर करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब नगर। दोस्तों, आपने अपने आसपास काफ़ी सारे सुपर मार्ट जो है ओपन होते हुए देखे होंगे और आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि आखिर में लोग सुपर मार्ट क्यों खोल रहे हैं। और दोस्तों, अगर वास्तव में बात करें तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो केवल इसी बिजनेस में है। आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर आपके मन में कभी आता है कि क्या मैं भी एक इस तरीके का सुपर मार्ट ओपन कर सकता हूं, तो जी हां दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अगर ये सुपर मार्ट ओपन करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से कंपनी से जो है अप्रोच करनी है, कंपनी से जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आप अगर सुपर मार्ट ओपन करते हैं तो आपका कितना प्रॉफिट रहेगा, क्या ऑफर्स आपके जो है स्टोर पे चलेंगे, आपके कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ ही दोस्तों आपको किस तरीके से कंपनी के साथ में जुड़कर अपना इस तरीके का सेटअप करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर जी फ्रेश का सबसे पहला मार्ट अभी कुछ टाइम पहले ओपन हुआ था। और आज मैं आपको इस स्टोर के ओनर से भी जो है बात कराऊंगा, उनसे पूछेंगे हम इस बिजनेस को करने में उनका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना जो है उनका इन्वेस्टमेंट लगा है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है एक स्टोर डालने के लिए, साथ साथ बिजनेस को सेटअप करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो में मैं आपको इस बिजनेस से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें तो FMCG एक ऐसी कैटेगरी है जिसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ये स्टॉक परचेज होता है उससे भी फास्ट जो है स्टॉक खत्म हो जाता है। क्योंकि आज के समय में चाहे छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, चाहे छोटी फैमिली हो, चाहे बड़ी फैमिली, हर फैमिली में जो है आपके दाल, चीनी, चावल, शैम्पू, साबुन, इस तरीके के सारे प्रोडक्टों की रोज़ ज़रूरत होती है और रोज़ आप परचेजिंग करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है इसे FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और जितना जल्दी लोग परचेज करेंगे, जितना जल्दी आपके स्टोर पर आएंगे, उतना आपका प्रॉफिट होने वाला है। कंपनी क्लेम करती है कि 30% कम से कम आपका इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले इस स्टोर पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनका रिव्यू बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको स्टोर के ओनर से मिलाऊंगा जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस बिजनेस के बारे में कि अगर आप अपना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, कंपनी से जुड़ने के साथ साथ में आपका क्या बेनिफिट होगा। धन्यवाद आपका कि आपने हमारी वीडियो के लिए थोड़ा सा समय निकाला। एक बार सर, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में, अपने स्टोर के बारे में बता दीजिए कि आज हम कहां पर वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और ये जो मेरा स्टोर है पटना बिहार में है, रामकृष्णा नगर में। ठीक है सर, बात करते हैं शुरुआत से कि आपको किस तरीके से आइडिया आया कि मुझे एक इस तरीके का एक स्मार्ट मार्ट ओपन करना है, और आप कंपनी के साथ में जी फ्रेश के साथ में कैसे जुड़े। जैसे सर, मैं इसके बारे में काफ़ी पहले से सोच रहा था सर, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है सर कि हर एक घर में इसका यूज है सर, और डेली नीडेड प्रोडक्ट है सर। तो इसी के बारे में पहले से सोच रहा था, काफ़ी इधर उधर मतलब देखा भी, इधर उधर वीडियो वीडियो देखा कि कहाँ से मुझे मिलेगा, क्योंकि इसमें सर काफ़ी आइटम है सर, जिसको परचेजिंग करने में काफ़ी परेशानी होता है सर। बाकी इंटीरियर भी है सर, इसमें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होता है सर। तो मैं इधर उधर सर्च किया, मुझे जी फ्रेश मतलब दिखा सर, फेसबुक में चला रहा था उसी पे दिखा जी फ्रेश के नाम आया, तो उसको मैं सर्च किया और उसके बारे में बात किया, उस पर नंबर दिया हुआ था तो उनसे बात किया, तो मतलब उनके बात से मुझे लगा कि ये अच्छा है मेरे लिए, सही रहेगा। और लिखता भी है सर कि 45 दिन में सारा सेटअप जो भी है इसका सारा करके मुझे देंगे। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये स्टोर ओपन करना तो क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे हैं। हाँ सर, प्रॉफिटेबल। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है कि अगर आप जो है इस तरीके का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट, एक तो देखिए 8,000 से भी ज्यादा FMCG में प्रोडक्ट आते हैं
साथ में ही 800 से भी ज्यादा ब्रांड आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप किस किस ब्रांड के पास में जाओगे, कैसे आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे? चलिए कॉन्टेक्ट कर भी लिया तो आप किस तरीके से अपना इस तरीके का स्टोर का जो है इंटीरियर सेटअप करोगे, किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले करोगे? तो कहीं ना कहीं एक आदमी वो इतने सारे नहीं कर पाता, इसलिए आपने कंपनी के साथ में जुड़कर अपना ये स्टोर ओपन किया। सर बात करेंगे कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट देखने को मिला और जो है इस तरीके का जो सेटअप डाला है, शुरू से आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया है? शुरू में था सर, कंपनी का कोई चार्ज होता है सर, कुछ चार्ज होता है 20,000 के आसपास। वो एक फॉर्म होता है सर, उसको फिल करना होता है, उसके बाद कंपनी के लोग आते हैं, वो आपका साइट देखते हैं कहाँ पे आपका स्टोर ओपन होगा जी। अगर उनको पसंद आ जाता है तो वो ओके कर देते हैं सर। उसके बाद 2,10,000 का चार्ज होता है सर इनका, प्लस GST सर, ठीक है, जो इनका चार्ज होता है, बाकी सारा सेटअप करके वो देते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं सर, कोई ठीक है। तो मतलब फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 2,10,000 प्लस GST आपको देना पड़ेगा, और उसमें आपकी कंपनी जो है सब कुछ ब्रांडिंग वगैरह हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो सर ने बताई है कि आप सबसे पहले एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में कंपनी के जो है जो ओनर सॉरी जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके लोकेशन पर विजिट करेंगे, वहां देखेंगे कि आपके लोकेशन के आसपास किस तरीके के आपके कस्टमर्स हैं, किन किन प्रोडक्ट की आपकी ज्यादा जो है यहाँ पर नीड रहेगी। उस विजिट के आधार पर ही आपका जो है जिस तरीके का स्टोर सेटअप किया जाता है। सर बात करें अगर एरिया की तो यहाँ पर कितने की एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का होता है। 500 स्क्वायर फीट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 6,000 के आसपास, 6,000 स्क्वायर फीट तक का। मतलब मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके पास में एरिया है, जितना आपके पास में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 500 स्क्वायर फीट का एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर जो है फ्रेंचाइजी फीस देने के बाद में अपना स्टोर कितने टाइम में कंपनी ने सेटअप कर दिया, और उन सेटअप के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आई? जैसे कंपनी क्लेम करती है सर 45 दिनों जी, लेकिन मेरा स्टोर सर उससे पहले ही मतलब सारा सेटअप करके दे दिया। 45 दिन से कंपनी क्लेम करती है लेकिन पहले ही आपका सेटअप सर, सारा इंटीरियर जिसमें था सर, बाकी परचेजिंग था, सारा कुछ सब कुछ कंपनी के बंदे ने किया। अच्छा सर बात करें इसमें प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट सर डिस्काउंट देने के बाद करीब 30% हो जाता है सर। 30% मिनिमम रहता है, ऑन एवरेज 30% आपका मंथली का प्रॉफिट बनता है आफ्टर डिस्काउंट, जिससे आपके कस्टमर्स भी खुश रहते हैं और आपको भी प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा सर जैसे बात करें कि जो है आपने सेटअप किया तो कंपनी की तरफ से आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर जैसे इंटीरियर, तो जैसे आपको मैं एक बार चारों तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीरियर वगैरह जो है कंपनी ने सब कुछ जो है सेटअप करके दिया है। इसके अलावा भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग हो गया आपके लोगों के आसपास को बताने के लिए कि भाई हाँ यहाँ पर स्टोर ओपन हुआ है, कुछ कंपनी के द्वारा कुछ किया गया था? हाँ सर, कंपनी के द्वारा ऑफर चलाया गया था जी, मैगी पे था सर, मतलब बाय वन गेट वन सर, ठीक है, और 1199 के खरीद पे 1 kg चीनी मात्र 9 रुपया में सर, ठीक है, इस टाइप का ऑफर था सर, जिससे सारे कस्टमर को पहले दिन ही पता चल गया जी। बिल्कुल, तो ये देखिए दोस्तों मैगी को टारगेट इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को पता होता है कि आज के टाइम में मैगी बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट है, और मैगी पर एक पैकेट फ्री करने के बाद में भी आपका कहीं ना कहीं मार्केटिंग के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हुआ होगा, और साथ में ही आसपास के जितने भी लोग हैं पहले दिन ही ओपनिंग के दिन ही उनको पता चल गया होगा कि ऐसा ऑफर निकला है, वो विजिट किए होंगे और आपका कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट होगी होगी। इसके अलावा भी जो है कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के और काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे हम ये वीडियो के थ्रू जो है स्टोर को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप नियर बाई लोकेशन पे हैं, जो पटना में कहीं भी रहते हैं, तो एक बार इस स्टोर पर ज़रूर आए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर अगर हमारा कोई व्यूअर इस तरीके का कोई अपने एरिया में स्टोर ओपन करना चाहता है जिसको नॉलेज नहीं है, तो क्या वो इस तरीके का स्टोर ओपन कर सकता है? हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। जैसे इस पे सर कॉस्ट एक मिनिमम कॉस्ट है सर जी, जैसे फ्रेंचाइजी के फी जो है सर 2.5 लाख के आसपास है, 2-10 प्लस GST लगता है सर जी। उसके अलावा आपको 11 लाख के आसपास लगेगा सर,
ऊपर से कस्टम मतलब कंपनी का सपोर्ट मिलेगा सर, जो 15-20 दिन रह के आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे सर। ठीक है, 15-20 दिन यहीं रहकर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग और ये जो 11 लाख बता रहे हैं इनमें आपका मतलब सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, सारे जितने भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उनमें 11 लाख भी सर सब कुछ आ गया। तो मतलब लगभग अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी फीस को भी इंक्लूड करके लगभग 13 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपका इंटीरियर मार्केटिंग इसके अलावा प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अच्छा सर, 500 स्क्वायर फीट से अगर ज्यादा अगर एरिया बड़ा होता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है? उसका चार्ज होता है सर कि इंटीरियर 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है सर, प्लस 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से परचेजिंग का रेट आता है, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट का। तो 500 से अगर ज्यादा होता है तो आपको 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको इंटीरियर चार्ज लगता है और 1000 रुपए जो है पर ये एवरेज है, तो ये आपका प्रोडक्ट कॉस्ट लग जाएगी जिसमें आपका प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अच्छा सर, इसमें बात करें कंपनी की तरफ से आपको और भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिस तरीके से अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर ऑफर्स अगर आपको चलाने हैं तो उस तरीके में कंपनी आपका कोई सपोर्ट करती है? हाँ सर, कंपनी फुल सपोर्ट करती है सर, बीच बीच में कॉल होते रहता है सर, प्लस सब नंबर अपना दिए हुए रहते हैं, कुछ भी होता है वो टीम भेजती है सर जी, वो मतलब रह के जो प्रॉब्लम होता है सर उसको दूर करती है वो। चलिए, तो कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट? हाँ, पूरा सपोर्ट है सर। सर आप तो सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड से नहीं होंगे? नहीं सर। तो आपको स्टोर रन करने में स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी, तो एक बार हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करेंगे कि आपको किस किस चीज़ों की फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपको? सर प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में कुछ आया था सर, लेकिन वो कंपनी वाले सब देख लिए सर, लेकिन सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर का उतना नॉलेज नहीं था सर, मुझे ये सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था कि कैसे डिस्काउंट देना है, कैसे परचेजिंग करना है या कैसे बिल काटना है, बिलिंग वगैरह में। इसके बारे में कंपनी से बात किया सर कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो बंदे भेजे सर, वो 4-5 दिन रह के मुझे सारा ट्रेनिंग दिए और मेरे स्टाफ भी जो थे उनको भी ट्रेनिंग दिए। ठीक है, तब जाके मैं अब तो सारा कुछ खुद से ही कर लेता है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बार आप सर्टेन अमाउंट पे करके आप परचेजिंग की भी टेंशन खत्म हो गई, इंटीरियर की भी टेंशन खत्म हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग की भी टेंशन खत्म हो गई है, ये सब कुछ कंपनी करा के देती है। उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर वगैरह के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, और अगर मान लीजिए आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कंपनी की तरफ से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, हेल्पलाइन नंबर आते हैं जो आप डायरेक्टली कॉल करते हैं तो एग्जीक्यूटिव से बात हो जाती है। हाँ सर, एक तो ग्रुप भी है सर कंपनी का, जो सॉफ्टवेयर वाले का ग्रुप है सर, उस पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सर उसको मैसेज में डाल दीजिए सर जी, आपका उधर से एनीडेक्स आईडी लेके बाकी वो अपना ठीक कर रहे। चलिए, ये बहुत बढ़िया है कि आपका यहीं घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं है, एनीडेस्क आईडी से आपका जो है पूरा सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा, और अगर मान लीजिए बाद में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली एनीडेस्क पे उनका सॉल्यूशन जो है कंपनी आपको दे देगी, वहां से आप सीख भी सकते हैं अगर आपको कोई ऑफर्स लगाना है या फिर कोई डिस्काउंट देना है, परचेजिंग ऐड करनी है, बिलिंग काटना है, अगर आपने नया स्टाफ हायर किया है तो उसकी भी ट्रेनिंग कंपनी जो है करके देती है। तो ये एक जो है एक अच्छी बात है कंपनी की। अब हम आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि जो कंपनी की तरफ से जो ऑफर्स चलाए जाते हैं वो किस तरीके के ऑफर्स रहते हैं जो कस्टमर के साथ साथ आपका भी प्रॉफिट देकर जाते हैं। तो सर जो है अभी स्टोर पर कौन कौन से प्रोडक्ट पे अभी ऑफर चल रहा है, जैसे यहीं पर हम देखेंगे तो 15% ऑफ ऑन MRP, ये आप देखेंगे सर, एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमारे थोड़े व्यूअर्स को बता दीजिए। ये सब जो है सर वेगा का जितना भी प्रोडक्ट है मेरे पास जी, सब पे 15% फ्लैट एमआरपी पे है सर, ये गप पे भी है सर, ठीक है, तो इस पर भी आपको MRP से 15% का ऑफ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है डिस्प्ले की गई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑन MRP इन प्रोडक्ट पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अच्छा सर, कोई ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो स्टोर पे रखे रहते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं? हाँ सर, हो जाते हैं, लेकिन वो कंपनी वाले मतलब उसको एक्सचेंज करवा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब आपका कोई इसमें लॉस नहीं हो रहा है। आगे और देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए वैरायटी आपको काफ़ी मिल जाएगी, जहाँ पर लोकल किसी स्टोर पर आप जाते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं देखने को मिलता, वहीं अगर आप देखेंगे तो सारे बिस्किट्स पर आपको ऑन MRP 5% तक का ऑफ अभी चल रहा है। तो यहाँ पर 20% फैमिली पैक वाले, बिल्कुल फैमिली पैक वाले पर 20% का ऑफ चल रहा है। तो इस तरीके के ऑफर्स आपको यहाँ पर देखेंगे जो है
आपको 20-50% तक का अलग अलग वेराइटी पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 50% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, इसमें जो कंपनी आपको जो इंटीरियर वगैरह में देती है तो फ्रीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें? हाँ सर, सारा कुछ, फ्रीज, एसी, फैन, लाइटिंग वाइटिंग सारा कुछ इंक्लूड रहता है। सब कुछ इंक्लूड रहता है, इसके अलावा मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। मतलब एक बार जो है प्रोडक्ट जो है आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के बाद में कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए आ जाइए सर, और कुछ ऑफर्स जो आप हमारी व्यूअर्स को बताना चाहें? ये सारा प्रोडक्ट है डेली यूजेज पे सर, 5-10% सारे पे ऑफ है सर जी। मसाला पे 10% ऑफ है सर। ये देखेंगे, ये देखिए, ये मसाले पर 10% का ऑफ है। ये ऑन एमआरपी सेल होते हैं, इस तरीके के मॉल में आपको 10% का ऑफ भी मिल रहा है, फिर भी जो है ओनर है उनको प्रॉफिट हो रहा है। आ जाइए दोस्तों आगे और हम बताते हैं आपको। यहाँ पे जो ग्लास व्लास है इस पे 20% का ऑफ है सर, बाकी प्लास्टिक आइटम पे सर मिनिमम 20% ऑफ है सर, मैक्सिमम 40% सर का ऑफ है सर। सर कॉस्मेटिक आइटम पे 10-20% हर एक कॉस्मेटिक पे ऑफ है सर मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी सर, बाय वन गेट वन का भी है सर मेरे पास, और सारा रेंज भी है सर कॉस्मेटिक का। आई होप दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आपको मैंने वीडियो में जो है जी फ्रेश कंपनी के एग्जीक्यूटिव के नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड। आज हमें सर ने काफ़ी एक जो है जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी वैल्यूबल है, और आपको इस बिज़नेस से जुड़ी हुई और भी तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर आप लोकल पटना या स्टोर के नियर बाई लोकेशन से है तो एक बार यहाँ पर आकर जरूर विजिट करें। साथ में ही अगर आपको जो है इस तरीके का स्टोर ओपन करना है तो आप इस स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आपको किन किन प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मार्जिन मिल रहा है। सर क्या आज क्या परचेज करने आए हैं आप? आया था जीरा पाउडर लेने, मेरे बगल में ऑफिस है तो थोड़ा सा परचेज के लिए भेजा कि जाइए जीरा पाउडर लेकर आइए। अच्छा, तो मैं इस मॉल में आया तो मुझे बेनिफिट अच्छा लगा यहाँ पे कि इस मसाले पे 10% का ऑफ मिला मुझे। ठीक है, तो हमको बाहर मिलता अच्छा है? बाहर में नहीं मिलता सर, बाहर एमआरपी पे ही मिलता है। ठीक है सर, कैसा लगा कि पटना में और भी ऐसे स्टोर होने चाहिए? होने चाहिए सर, होने चाहिए ताकि हम सब पब्लिक को अच्छा बेनिफिट मिले। और क्या बेनिफिट है इस स्टोर पर आने के? इस स्टोर पे जितने भी चीज अगर हमें चाहिए वो चीज सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है, एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे सब चीज मिल रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट हर प्रोडक्ट, डिस्काउंट हर चीज पे डिस्काउंट इनके मॉल में है। ऐसे मॉल और अच्छे जगह खुले तो बहुत अच्छा उचित रहेगा मेरे लिए और आप आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है मॉल, एक ही छत के नीचे सारा कुछ मिल जाता है, और मैं यहीं बगल में ही रहता हूँ आधा किलोमीटर अंदर के अंदर में, और अच्छा खासा सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना।